जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं आपकी आवाज। आज हम आपको लेकर के आए हैं सेक्टर 10 ए स्थित इस रेहड़ी मार्केट के अंदर। ये रेहड़ी मार्केट का सपना शायद किसी अधिकारी ने जब इस सेक्टर को काटा था, उस समय सोचा था कि यहाँ पर रेहड़ियों के लिए जगह दी जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि रेहड़ियों के लिए जगह नहीं है। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि वो दिखाए ये पीछे मेरे पीछे कितनी गंदगी है। यहाँ पर कूड़ा डंपिंग स्टेशन इसको बना दिया गया है। और यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि इसमें खेल चल रहा है। खेल कैसा है कि यहाँ पर बाहर से ला करके इस CNDD वेस्ट को डाला जाता है, और यदि किसी को आवश्यकता होती है तो वह उन ट्रैक्टर वालों से बात करके उसी CNDD वेस्ट को उठवा करके अपने घर में भरत कर लेता है। यानी कि डालने के पैसे मिल रहे हैं सरकार से, और यहाँ से उठा करके अपने घर में डालने के, यानी किसी भी व्यक्ति के घर में डालने के पैसे वो व्यक्ति उनको प्रोवाइड करता है, जिससे कि 1000 रुपये ट्रॉली तक का वो चार्ज करते हैं। तो दोनों ही तरीके से, यानी कि उनके हाथों में मलाई वो खा रहे हैं। सरकार की और प्रशासन अंधा बना हुआ बैठा हुआ है। अंधा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस तरह का खेल चल रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज हम आपको लेकर के इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि प्रशासन की आंखें खुले। मैं सतीश गुप्ता, RWA अध्यक्ष सेक्टर 10 का। आज हम खड़े हैं यहाँ पे पुरानी रेहड़ी मार्केट में, जो एक्चुअल तो पुरानी वर्ड मैंने गलत यूज किया है, तो ये रेहड़ी मार्केट, पर पुरानी रेहड़ी मार्केट कुछ लोगों की मिली भगत से बन गई है। ये जो रेहड़ी मार्केट पहले यहाँ कभी लगती थी 4-5 साल पहले, उसको किसी अनऑथराइज जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है, और इस जगह को लोगों ने बना दिया है खत्ता। कुछ लोगों की मिली भगत से सारी की सारी अनैतिक कार्रवाइयाँ इस रेहड़ी मार्केट में होती हैं। यहाँ पे नशेड़े भी आते हैं, यहाँ पे लोग मलबा भी डालते हैं, यहाँ पे यहाँ तक कि MCG भी सैनिटाइज का वेस्टेज यहीं पे डाल के जाती है, जो कि पूरा 100% गलत है। और कुछ लोगों ने इसको पैसा बनाने का जरिया बना लिया है, जिसमें MCG के ऑफिसर लोग भी मिले हुए हैं। पहले यहाँ पे जितने भी रोड टूटे गए थे, जिनका पैसा उठाना का पैसा दिया था MCG ने, पहले तो उस मलबे को यहाँ डाला गया, अब उस मलबे को बेचा भी जा रहा है। तो ये डबल कमाई हो रही है MCG की मिली भगत से। हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, MCG कमिश्नर मीना साहब से, कि जो अनऑथराइज जगह पे रेहड़ी मार्केट लगाई गई है, उसको उठा के अपनी असली जगह पे शिफ्ट किया जाए, और इसको पूरे खत्ते को साफ करवाया जाए, ताकि यहाँ के चारों तरफ रहने वाले लोगों के लिए पर्यावरण प्रदूषित ना हो, और वो आराम से सेक्टर के निवासी होके अपनी जिंदगी निर्वासित कर सके। सर, क्या कहना चाहेंगे कि रेहड़ी मार्केट के नाम से ये जगह अलॉट है, लेकिन रेहड़ियाँ ही नहीं लग रही हैं, और रेहड़ियाँ दूसरी जगह शिफ्ट कर दी है, तो क्या दोबारा से रेहड़ियाँ लगानी चाहिए इधर? देखिए, बेसिकली ये रेहड़ी मार्केट के साथ साथ ना हमारे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी था। शाम को रेहड़ियाँ लगती थी, दिन में बच्चे खेलते थे, होली का त्यौहार बीच में मनाते थे। तो हम तो गुजारिश यही करेंगे कि जो पहले चला आ रहा है, जिस नाम पे ये जगह अलॉट है, इस पे अवैध कब्जा ना करवाया जाए, और उसी गतिविधियों के लिए ये रेहड़ी मार्केट होना चाहिए। सर, जो सेक्टर 10A के अंदर रेहड़ी मार्केट है, उसमें CNDD वेस्ट डाल करके MCG के द्वारा हमारे पास सूचना ये है कि उसको मिसयूज किया जा रहा है, तो रेहड़ी मार्केट की जो प्लानिंग बनाई थी वो कब तक सुचारू हो पाएगी? रेहड़ी मार्केट की जगह वहाँ पर हमने जो, क्योंकि रेहड़ी मार्केट ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, तो हमने रेजिडेंशियल प्लॉट की उसमें प्लानिंग कर दी है। लेआउट प्लान अप्रूव हो गया और डिमार्केशन प्लान अप्रूव होते ही जल्दी हम उसको ऑक्शन में डाल देंगे। और रही CNDD वेस्ट की बात, तो आज ही हम इनको एक पत्राचार के माध्यम से कॉरपोरेशन को लेटर लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इसको फ्यूचर में प्लॉट ऑप्शन करने जा रहे हैं। तो इस तरह का जो भी अगर मलबा उन्होंने डाला, तो उसको उठवाने के लिए कार्रवाई स्टार्ट करवाएंगे। धन्यवाद।